हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको मैं लेट कर देता हूँ, यहीं पे मैं लेट कर देता हूँ वाई के इक्वल। यहाँ से जब मैं डेरिवेटिव लूँगा इसका डी वाई बाय डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव हम लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। तो नोमिनेटर का हम फंक्शन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का। दूसरे से यहाँ से हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, पावर में से एक माइनस होगा तो हमारे पास पावर वन रह जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम। ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है कि अगर फंक्शन आ जाए तो पावर रूल आपने अप्लाई करना है। पहले यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ होल स्क्वायर पे, अब आपने फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा मतलब कि पावर के अंदर जो फंक्शन होगा उसका भी आपने डेरिवेटिव लेना था। हमारे पास आ जाएगा टू एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास टू एक्स का, और डिवाइड भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसका इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने कॉमन लेना है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है टू एक्स, और दूसरा हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू एक्स हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसमें भी है। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू, और माइनस यहाँ से हमारे पास टू एक्स भी चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी चला गया, तो पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एक रह जाएगा, और नीचे हमारे पास डिवाइड में हमारे पास जो था एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर था। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर में से वन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस टू प्लस वन माइनस वन रह जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। दूसरे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर, सॉरी हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे हमारे पास जो आना था इसने चेंज हो जाना था, यहाँ पे माइनस हो जाना था। यहाँ पे जब माइनस होगा तो ये भी माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आएगा तब जाके हमारा, और ये कटिंग भी हमारी नहीं होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है।